हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडी मैच, वनडे मैच शुरू हो चुका है। दोस्तों, इंडिया की बात करेंगे। आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच टॉस उछाला गया और टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने। फैसला किया है फील्डिंग का। तो आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, दोनों की पार्टनरशिप ही बहुत ज्यादा 200 प्लस रन लेके आई आज इस मैच में। दोस्तों, बात करें रोहित शर्मा, कैप्टन, 101 रन की पारी खेली 85 गेंद में, 9 छक्के और 6 छक्के लगाए थे आज इस इनिंग में। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला 118.82 की स्ट्राइक रन के बल्ले से बनाए, 9 छक्के और 6 छक्के आए थे 85 गेंद में। 101 रन बनाए थे रोहित शर्मा कैप्टन ने आज। उसके बाद ब्रेसवेल की गेंद पर आज ब्रेसवेल ने विकेट लिया, रोहित शर्मा का बड़ा विकेट झटका, डायरेक्ट बोल्ड किया। 101 रन पे रोहित शर्मा आज आउट हुए, 85 रन में 101 रन बनाए थे, 9 चौके और 6 छक्के आए थे उनके बल्ले से आज। 118.82 की स्ट्राइक रन आए थे। बहुत ही शानदार पारी खेली आज अपने कप्तानी पारी खेल के इस मैच को आगे बढ़ाया। उसके बाद आज शुभमन गिल की 112 रन की पारी खेली है, 78 गेंद में 13 चौके और 5 छक्के लगाए थे आज शुभमन गिल ने। बहुत ही शानदार पारी खेल के आउट हुए थे आज शुभमन गिल। 113 रन की पारी खेली थी, 5 चौके और 4 छक्के लगाए थे उन्होंने। इस तरह से इस मैच को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला था आज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने। उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली और ईशान किशन की। उससे पहले बात करें रोहित शर्मा ने की एक बहुत ही शानदार पारी खेली 101 रन की, अपना 85 रन में अपना शतक पूरा किया और 70 रन की पारी खेली थी आज शुभमन गिल ने। और दोस्तों, इस तरह से आज विराट कोहली भी क्रीज मौजूद है ईशान किशन के साथ, एक बड़ी पारी खेलने के मूड में। 26 रन आ चुकी है 18 गेंद में, 2 छक्के और पहला छक्का आया है उनका बल्ले से। 144.44 की स्ट्राइक रन आ रहे हैं उनके बल्ले से। विराट कोहली ने आज 26 रन की पारी खेली है 18 गेंद में, 2 छक्के, 2 छक्के और 1 छक्का लगाया है अभी तक इस इनिंग में। ईशान किशन की बात करें दोस्तों, ईशान किशन भी नॉट आउट क्रीज मौजूद है, 12 रन की पारी खेल चुके हैं 18 गेंद में, 1 छक्का लगा चुके हैं अभी इस मैच का। 67.66 स्ट्राइक रेट ईशान किशन क्रीज मौजूद है। पिछली बारी देखिए तो हम रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दोनों ने बहुत ही अच्छे बल्लेबाज करके वो दोनों ने 113 और 101 की कमर से पारी खेल के इस इनिंग को 214 रन दिए थे अकेले दोनों बल्लेबाजों ने। दोस्तों, हम बात करें विराट कोहली की, 26 रन पे आउट भी खेल क्रीज मौजूद हैं। उसके साथ में है किशन 12 रन की पारी खेल चुके हैं। दोस्तों, 18 गेंद 12 रन बनाए हैं, पहला चक्कर गए हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से 10 रन बोनस में आज भारतीय टीम को। टोटल भी 261 पे 2 विकेट 33 ओवर हो गए हैं। दोस्तों, 34 ओवर चल रहा है अभी, 7.86 की स्ट्राइक से रन आ रहे हैं प्रति ओवर, रन रेट चल रही है ये 261 पे 2 विकेट चुके हैं अभी भारतीय टीम के। दोस्तों, बात करेंगे बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव भी आना बाकी है, हार्दिक पांड्या बाकी हैं, वाशिंगटन सुंदर बाकी है, उसके बाद साबित ठाकुर तक बैटिंग होती है। वो कुलदीप यादव, उमरा मलिक, उजन चहल आज इस मैच में अपना परफॉर्म दिखाएंगे। वो इस तरह से आज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बैटिंग बाकी है। दो खिलाड़ी ने अपना 200 रन पूरा करके गए हैं, वो दो खिलाड़ी क्रीज मौजूद हैं और दो बाकी ओवर है जो कुछ भी कर सकते हैं इस मैच को, 600 तक ले जा सकते हैं इतनी क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इस तरह से विराट कोहली भी क्रीज मौजूद है, 26 रन की पारी खेल चुके हैं, अभी काफ़ी फॉर्म है विराट कोहली। पिछले मैचों में देखिए आपने अपना 100 लगा रखे हैं, इस मैच में देखते हैं किस तरह से अपना प्रदर्शन होता है। सेकंड बॉडी पर खराब प्रदर्शन रहा, कुछ खास कर नहीं पाए विराट कोहली, अभी इस मैच में अपना 26 रन बना चुके हैं। दोस्तों, अभी बैटिंग सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरा मलिक, सहेल की बैटिंग बाकी है। उससे पहले बात करेंगे विकेट के पतन की, 122 पे गया पहला विकेट रोहित शर्मा का गया था, 27 ओवर तक विकेट नहीं गिरा था, 27 ओवर की पहली गेंद पे ही ब्रेसले ने 212 पे गिराया था पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में। उसके बाद 230 पे गया शुभमन गिल का 28 ओवर की छठी गेंद पे। दोस्तों, बॉलिंग बात करेंगे, जोकोव डोफी 4 ओवर डाले थे, बैन रन दिए 10.50 रिकॉर्ड में, एक भाई खेली थी। लोकी फर्ग्यूसन की बात करें, 6 ओवर में एक मैन निकाला, 36 रन दिए, बहुत ही अच्छे साबित हुए, 36 रन, 0 विकेट, 6 की रिकॉर्ड में, एक ओवर भाई खेली थी उन्होंने। ब्लेयर टिकने की बात करेंगे, 7 ओवर में 50 रन दिए, एक विकेट लिया, 7.17 रिकॉर्ड में टिकनर ने। ब्लेयर ने शुभमन गिल को आउट किया, 50 रन दिए थे 7 ओवर में, एक विकेट लिया, 7.14 रिकॉर्ड में। जो कि 4 ओवर डाले थे 42 गेंद में, 10.50 इकोनॉमी रही। डोकी फर्ग्यूसन 6 ओवर डाले, एक मेडल निकाला, 37 रन दिए, 6 की दी इकोनॉमी। ब्लेयर टिकनर 7 ओवर में 50 रन दिए और एक विकेट लिया। इस तरह से दोस्तों, शुभमन गिल का विकेट 28 ओवर में 26 ओवर में टिकनर गिरा था, वो पहला भी 212 में गिरा था। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हसन सुंदर की बैटिंग बाकी है जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, ऑलराउंडर बल्लेबाज, अपना परफॉर्म दिखाएंगे।
उससे पहले दोस्तों बात करेंगे बॉलर की, न्यूजीलैंड के बॉलर्स के बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है इस मैच में। तीसरा ओवरी मैच है, लग टिकने की बात की थी हमने, 7 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट लिया, 7 से 14 की रिकॉर्ड में 1 ड्राइव गेंद। उसके बाद बात करें मिचेल संतार की, 8 ओवर डाले, 53 रन दिए, 6 पर 62 इकोनॉमी। डेली मिचेल 4 ओवर में 41 रन दिए, 10 पर 25 थी इकोनॉमी, 1 डाली व्हाइट गेंद। और दोस्तों मिचेल ब्रेसवेल की बात करते हैं, 4.1 की रही थी इनकी, 4.1 5 ओवर डाले, 34 रन दिए, 1 विकेट लिया, 8 पर 16 रन इकोनॉमी। रोहित शर्मा का विकेट ब्रेसवेल ने गिराया था दोस्तों, 34 रन दिए थे उन्होंने, 1 पहला विकेट लिया था ब्रेसवेल ने। उसके बाद टिक ने 2 विकेट लिया था, शुभमन गिल का 2 विकेट के बाद ही टीम गए दोस्तों, प्ले 7 रन। अभी हम बात करें रोहित शर्मा की, बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिखाया था, बहुत ही अच्छा न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी पारी खेली बॉलर्स का, बहुत अच्छा परफॉर्म तो सबसे वो महंगा साबित हुआ। संतार का गेंद तो बहुत ही शानदार बॉलिंग, वो 53 रन दिए, उसके बाद 7 ओवर में 50 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था ब्लेयर टिकनर ने। रोहित शर्मा शुभमन गिल की बहुत ही शानदार पारी खेली, विराट कोहली और शारदीय सभी खिलाड़ी मौजूद थे, अपना परफॉर्म दिखा रहे हैं दोस्तों। की इस मैच का बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म चल रहा है, विराट कोहली ने अपनी शानदार पारी पहले पिछले मैचों में खेली थी, आपने देखा होगा इस मैच में बहुत ही अच्छा खेलने का आशा है। और ईशान किसान भी जो मौजूद हैं, दोनों बल्लेबाज मौजूद हैं, सब कुछ हो सकता है। 200+ हो सकते, 201 रन की पारी हो चुकी है, 4 2 विकेट गिर चुके हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल का। तो शुभमन गिल की आज बहुत शानदार पारी खेली, 5 चौके 4 छक्के और 6 छक्के और 5 चौके आए थे रोहित शर्मा के बल्ले से, 6 छक्के लगाए थे उन्होंने, 36 रन चक्कों से आगे थे वो, 5 चौके लगाए, 30 रन बनाए। इस तरह से दोस्तों आज का मैच रोहित शर्मा का अपना 85 रन में अपना आज तक पूरा 100 रन की बहुत ही शानदार पारी खेल के इस मैच को अपने कैप्टन पारी खेली, और इस मैच को 161 के 2 विकेट हो चुके हैं, 30 ओवर हुए समाप्त दोस्तों। इससे प्लेयर टिकने 7 ओवर डाल चुकी है, 50 की रही है इनकी इकोनॉमी, 1 विकेट लिया है, 7 पर 14 रही है इनकी इकोनॉमी, 5 ओवर ब्रेसवेल ने 34 रन दिए, 1 विकेट लिया दोस्तों। न्यूजीलैंड टीम बात करते हैं, टीम फिनलैंड डेवन कोन बहुत अच्छे बल्लेबाज, दोनों हेनरी निकोलस है 3 नंबर पर 4 नंबर, डडली मिचेल 5 नंबर 2 लथम कैप्टन विकेट कीपर है वो, 6 नंबर ग्लैन फिलिपम, 7 नंबर मिचेल ब्रेसवेल ऑलराउंडर मिचेल संतार, 8 नंबर 9 नंबर नेचोको ड्यूफियो, 10 नंबर जोकी फर्गुसन और 11 नंबर खेलते हैं ब्लेयर टिकनर। इस तरह से आज का मैच इस तरह से बहुत ही शानदार खेला गया न्यूजीलैंड बनाम भारत का तीसरा ओडी मैच है, 50 ओवर मैच होना है दोस्तों। इससे आज न्यूजीलैंड टॉस जीता हुआ पहले फैसला किया फील्डिंग का, और दोस्तों बैटिंग में भारतीय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज अपने सेंचुरी पूरी की थी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, और दो बल्लेबाज चीज मौजूद हैं दोस्तों। इस तरह से आज का मैच दोनों में बहुत ही शानदार से खेला गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन बटन दबाएं, धन्यवाद।